because you know, you feel so proud, you know, whatever you have done in your life. So awards जो होते हैं एक्टर के लिए मोटिवेशन होते हैं, तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस टू डू मोर एंड मोर गुड वर्क. दैट्स ऑल. मैम आपने भी काफी स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी स्ट्रगल के बाद इस तरह का अवार्ड मिलना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, दादा साहब पालकर अवार्ड. इट्स गुड एक्चुअली, यू नो, जब आप मेहनत करते हो अपनी ज़िंदगी में और जब आप उस मेहनत का आपको फल मिलता है तो आपको खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, और खुशी से ज़्यादा आपको सुकून मिलता है. तो मुझे अभी बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम सो हैप्पी. ओके, आप आने वाले दिनों में क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं, कुछ आप बताना. अपकमिंग प्रोजेक्ट मोस्टली आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन हिंदी और साउथ, सो आई जस्ट हैव टू डिसाइड विच वन टू गो फॉर. सो या, इट्स something between Hindi or South. थैंक यू. बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है. और ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है और दादा साहब का, मतलब इट्स ग्रेट फीलिंग. तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है. सो या, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी. एंड हर एक्टर को, हर आर्टिस्ट को अगर अवार्ड मिलता है तो उसको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि वो आगे और अच्छा काम कर सके. और मैंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल. या दादा साहब फाल्के बहुत ही इंस्पिरेशन अवार्ड होता है, हर कोई चाहता है ये अवार्ड मिलना. जी, तो जब आपको कहा गया कि आपको अवार्ड मिलने वाला है, क्या आपका रिएक्शन था? जी, मैं पहले तो थोड़ी नम हो गई थी. मुझे लगा कि ओ माई गॉड, फाइनली मुझे अवार्ड मिल रहा है. और एक एक्टर के लिए, जैसे मैंने बोला, एक्टर के लिए अवार्ड मिलना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में कुछ कर सके. एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी. एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट. आई होप मुझे और भी सारे अवार्ड्स मिले. एंड या, आई एम रियली हैप्पी. यू कैन सी ऑन माय फेस. आफ्टर पेंडेमिक, दिस काइंड ऑफ अवार्ड इज हैपनिंग, व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग इट? या, इट्स ग्रेट थिंग. एंड दिस इज हैपनिंग सारे प्रिकॉशंस के साथ में हो रहा है, कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ में हो रहा है. ऑब्वियसली इट फील्स ग्रेट. एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज का मैनेजमेंट देख के. एंड या, अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल. एंड अच्छा लग रहा है कोविड के बाद बाहर आके. या, यस, आई एम गोइंग टू डू अ वेब फिल्म जिसके बारे में बहुत जल्दी आप लोगों से बात करने वाली हूँ. इट्स वेरी बिग फिल्म. सो यार, विश मी लक, आई नीड ऑल योर लव. थैंक यू सो मच. जी, अभी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच. I'm feeling awesome. I'm really grateful, glad to receive Dada Saab Phalke Award. This is something every actor, you know, wished to get, and today got it. So I'm grateful to Almighty, grateful to the organizers, grateful to everybody associated with this, grateful to my PR team, everyone for this award, and it will always remain close to my heart. अच्छा, आज ही लग रही हूँ, रोज नहीं लगती. बहुत दिनों के बाद आज मिल रहे ना. अच्छा, हाँ, बहुत, मतलब ओके भाई, आप लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, बस मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. अभी जाके घर पे जाके नाचूंगी. I'm so happy you guys liked it. ट्रांसफॉर्मेशन आप किया है, किस तरह से आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हैं, हर टाइम हम आपके नए नए अवतार में आपको देखते जा रहे हैं. मैं, मुझे मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना अच्छा लगता है. सी, आई एम एन एक्टर, और हमेशा वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर वी आर प्लेइंग. तो अभी मैंने ज़िंदगी में हमेशा बहुत घरेलू कैरेक्टर प्ले किया है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी इन द स्किन ऑफ दोज कैरेक्टर्स. अभी मैं जो फिल्म कर रही हूँ, जहाँ पे मैं जो रेड कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा बहुत ग्लैमरस लुक है. और तो मैंने सोचा कि अभी वही चीज़ में, मीन्स आई एम नॉट, आई वोंट से आई एम अ मेथड एक्टर, बट ओके, इज ऑलवेज गुड टू फील दैट वेन यू आर शूटिंग जस्ट बिफोर दैट. सो वी आर गोइंग टू शूट वेरी सोन, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसी फेज में रहते, तो ट्रांसफॉर्मेशन आगे भी होते रहेंगे. और आपके कॉस्ट्यूम के बारे में अगर आप थोड़ा यहाँ पर आके बताएं. देखो, एक आदमी की बात नहीं है, बहुत सारे चैनल्स OTT पे है जहाँ पे ये सब बहुत हो रहा है. तो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन पर्सन, ना, ये सारे जो OTTs आगे आके ये सब कर रहे हैं वो भी बंद करना चाहिए. और इमीडिएटली सेंसर बोर्ड को आना चाहिए,
क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं है वहाँ पे, इसीलिए ये सब हो रहा है। हर रोज़ मैं सुनती हूँ कोई ना कोई नए ना नए OTT आ रहे हैं, एंड वॉट इज़ दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग सच काइंड ऑफ यू नो लाइक काइंड ऑफ वल्गर मूवीज़ जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। आज हर सब बच्चे के हाथ में फ़ोन रहता है, और मतलब अगर वो लोग बचपन से यही देख के आगे बड़े होंगे तो फिर यू नो लाइक वॉट इज़ देयर फ्यूचर, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी ऑलवेज ऑन देयर माइंड। तो उन लोग ये फ्यूचर के बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक श्योर दैट दे इंटरवीन एंड पोज सेंसर बोर्ड रेगुलेशन ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। It's a design. She is a designer from Delhi, and it has been styled by Akanksha. She is my stylist, and yeah, the jewelries are from Aquamarine. This all, and the makeup is done by my makeup dada Rajendra. Thank you so much. You like me? यार मेरे हमेशा से ड्रेस इतने हैवी हो जाते हैं, अब नहीं लेना मेरे को हैवी ड्रेस, मैं मस्ती नहीं कर पाती ज़्यादा, क्योंकि मैंने फिनाले में भी पहना था तो वो 25-30 किलो का था तो मैं चल ही नहीं पा रही थी। अब मैं सिंपल ड्रेस पहनूंगी, लेकिन हाँ खूबसूरत तो था। काफ़ी लोग थे शादी में, तो किस किस के साथ आपने मस्ती किया, जैस्मिन अली शेफाली बग्गा, हम सब ने बहुत मस्ती किया, पवित्रा एजाज। मैं अच्छा आप बताइए, मैंने आप लोगों को एंटरटेन किया तो बस हो गया, मेरा काम हो गया। हाँ ये मेरा बिग बॉस के बाद फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, बुक लिखदा एंड पंजाबी है, बहुत अमेजिंग, मुझे तो बहुत गाना पसंद आया तब मैंने यस किया, आई होप आप लोगों को भी पसंद आया। आखिर में अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, करण जोहर होस्ट है, मुझे पता चला है और मैं देखना चाहती हूँ क्या क्या सीन क्रिएट होते हैं, और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, बाकी नहीं पता मुझे बहुत मज़ा आएगा। ओके, सबसे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म को लेके, और अशी से ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिल्पा शेट्टी एक्चुअली क्या है ना, मैं उनको सच बोलूँ तो मैं उनको ना पर्सनली नहीं जानती, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे राइट नहीं है किसी के ऊपर कमेंट करने का, तो वो जो सच होगा वो आ जाएगा, दैट्स इट, हमें क्या वास्ता, खुश रहे यार, खुश रहो। Awardees have been honored because it is a very very prestigious award, aur ye award present karna logon ko is an honor for me, so thank you so much for having me. Kya hone wala hai, corona khatam hota chal raha hai, thoda sa break lag chuka hai, to sandeep sir kya lekar aa rahe hain? Well, main expect kar raha hu ki theater jaldi khul jaye, because mere kuch plays hain jo aane wale hain, do plays mein taiyari kar raha hu unki, chalte chalte band ho gaya because second wave aa gaya, and I hope now things get better and we can present that on stage and you all can see us. Aur aakhir mein apne fans se kuch kehna chahenge jo dhamakedar project hone wale hai ya kuch hangama wala? मैं यही बोलूँगा, जो शोज़ तो आएंगे आप लोग देखेंगे, पिछले कुछ रिलीज़ होने वाली हैं अगले साल आप वो भी देखेंगे, और एक ही बात बोलूँगा, दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन जाने कब उड़ जाए, सांसों की सोन चढ़ैया रे, प्लीज़ कीप डांसिंग एवरीवन, थैंक यू। यही बोलूँगा कि मैं बॉलीवुड का हूँ, एंड आई थिंक हर किसी इंडस्ट्री में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, देयर इज ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट बोथ साइड्स अवेलेबल इन एनी इंडस्ट्री, सो लेट्स ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड एंड नॉट एट द नेगेटिव वंस। थैंक यू। हाँ सबको हाय हेलो नमस्ते, हम सब समझते देखो ऐसा है कि मैं कल भी एक अवार्ड शो में गया था, आप नहीं थे तो मेरी तो गलती नहीं है, पर मैं बाहर निकला, अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे अवार्ड शोज हो रहे हैं तो एक अच्छी बात है, और ये शोज़ ऐसे शोज़ हैं, अभी देखो मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हूँ, ये हम लोग वर्चुअली नहीं कर सकते, ये तो आमने सामने ही करना पड़ेगा, तो हाँ मैं बाहर निकला और इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई और इन लोगों से भी मुलाकात हो गई,
देखिए नाम ही काफ़ी है दादा साहब का, और ये अवार्ड जिसको मिलता है तो यू नो इट्स एन ऑनर, और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इससे भी अच्छा काम करें ताकि धीरे धीरे करके ये अवार्ड ऐसे सोने में बन जाए, पक्का पक्का हो जाए। इट इज आई एम टेलिंग यू वो है, इसकी रिस्पेक्ट इतनी है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, रिस्पेक्ट इतनी है, तो अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि और अच्छा काम करें और रियल स्टैच्यू। Ethan ji, your film also, Silver Gandhi, has received lots of awards, and even Dada Saheb Phalke Film Festival Award. Yes. How happy you feel, like, you know, Dada Saheb ki, you know, aashirwad aap par ban raha hai? देखो जब हम काम कर रहे थे, when I started, I used to hear सबको अवार्ड मिला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, तब ये उम्मीद थी कि मुझे भी एक दिन मिलेगा, एंड यू नो लकीली एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि मुझे भी मिला, मेरी फिल्म को भी मिला, और मेरे हाथ में एक अवार्ड है, ये भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, तो ड्रीम्स डू कम ट्रू और मेरा भी ख्वाब पूरा हो रहा है। अब मुझे रियल स्टैचू ऐसे हाथ में लेना है दादा साहेब जी का, बहुत जल्द वो भी पूरा होगा। गोल्डन गाइज आर गाइज विद अ गोल्डन हार्ट, यू सी द होल आइडिया इज क्या होता है कि आप देखते हो, देख के आपको समझ में आ जाता है जो वाइब्स आ रही है ना बहुत ही पॉजिटिव है और गोल्डन है। देखो स्माइल देखो भाई, वो देखो स्माइल देखो, अभी देखो मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा तो बोला ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, आप इनकी ज़ुबानी सुनिए प्लीज़, आप ही बोलिए। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने हमें यहाँ बुलाया और इतनी ब्यूटीफुल ट्रॉफी दी है, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जितना भी हमने थोड़ा बहुत काम किया है उसकी आज हमें पूरा फल मिल चुका है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी। और इनके गोल के बारे में क्या बोलूँ, ये तो मैं रोज़ देख के बोर हो चुकी हूँ। एक्चुअली इनको बहुत शौक है, पहले बचपन से ये गोल पहन रहे थे, और अभी जैसे जैसे बड़े होते गए उनके गोल्ड भी फटते गए, उनकी चेनें भी फटती गई, और अब ये 5 किलो गोल्ड पहनते हैं, तो ये इनका पैशन है, इनका फन है, तो आई थिंक दे आर हैप्पी विद दैट, एंड उसकी वजह से इनका बहुत नाम भी हुआ है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको जानते हैं लोग, आज इनकी वजह से मुझे भी जानते हैं, मेरे करियर की वजह से मुझे कम जानते हैं, और इनकी वाइफ होने की वजह से मुझे लोग ज्यादा जानते हैं अभी। They just announced today? आज अनाउंस किया, अरे कॉन्ग्रेच, मुझे नहीं पता था, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, विशिंग यू अ हैप्पी एंड अ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, गॉड ब्लेस यू बॉल। मैं एक ही बात बोलूंगा सनी भाई, ये आदमी से बच के रहना, और दूसरा वाइफ इज ऑलवेज राइट, सुनना ही पड़ता है ऑलवेज राइट, चुपचाप सब सुन लेना, हाँ बोलना, हाँ 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 हो जाएगा, हो करना मत, हाँ वाइफ इज ऑलवेज राइट, करते भी एक्चुअली, जो बोलते हैं उससे ज्यादा कर देते हैं, तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, बस देखो देखा दे विल बी हैप्पी फॉरएवर। लाइक आप कुछ कहना चाहोगे, लास्ट इज द लास्ट, मला इथे बोलायला चांस दिला नहीं तो मला अवार्ड फंक्शनला बोलवलं, मला माहिती नव्हतं पहिल्यांदा की इथं मला अवार्ड फंक्शनला अवार्ड देण्यासाठी बोलवलं, मला वाटलं नॉर्मली एक सत्कार असेल, मला सनीबाईन बंटीबाईने सांगितलं होतं की अवार्ड फंक्शनला एक तुझा सत्कार आहे, मला इथं आल्यानंतर कळलं की मला एक अवार्ड देण्यात आलं येणार आहे, तर मी म्हटलं का कशामुळं मला अवार्ड भेटतोय, म्हणजे किसले म्हणजे मराठीत बोललं तरी चालेल, म्हणजे मला अवार्ड कशाबद्दल भेटते, तर ते म्हणजे 2 वर्षात ते तुम्ही करोनामध्ये आपण ती कामं केली लोकांची, मतलब करोनामध्ये ज्यादा दोस्त एक डेढ साल से आपण देख रहे अपना, मतलब महाराष्ट्र में नहीं तो इंडिया में करोना के नहीं, इंडिया तो पूरा वर्ल्ड में करोना के संकट आ गए अपने ऊपर, आता आमच्या माध्यमातून आता आदरणीय MLA आमचे महेशदादा लांडगे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पिंपरी चिंचवड महापालिकेत काम करत असतो, त्याच्या माध्यमातून लोकांची सेवा करताना दवाखान्यात कोणाला बेड उपलब्ध करून देणं, कोणाला अन्नधान्याचे वाटप करणं, हे करोनामध्ये आपण गेल्या 1.5 वर्षामध्ये बघितलं आहे, आपण काय सहन केले, लोकांना घराच्या बाहेर पडता येत नव्हतं, आज गोरगरीब जनता असेल, गोरगरीब लोकं असतील त्या लोकांना खाण्याची हे झालं ते परिस्थिती खूप बिकट आली होती 1.5 वर्षामध्ये, तर त्याच्यामध्ये आम्ही खूप मदत केली, आमच्या PCMC महापालिकेच्या थ्रू आम्हाला तेवढी मदत करता आली,
थोडा करोना आटोक्यात करता येईल कमी करता येईल. लोकांना आम्ही पूर्णपणे आवाहन केलं की की घराच्या बाहेर कोणी पडू नये, सॅनिटायझर मास्कचा यूज करा, नेहमी आम्ही एकच सांगितलेलं आहे. आणि आत्ता आज या प्रोग्रामला येऊन असं वाटतं की जरा कोरोना संपत चाललाय, पण मी याच्या उद्देशाने मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगेन की कोरोना अजून संपला नाही, आपली थर्ड स्टेज कधी येऊ शकते सांगू येऊ शकत नाही आपण, त्यावरून सांभाळून राहा सगळ्यांनी, हीच मी सगळ्यांना विनंती करेन. को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए पहले तो सब मीडिया वालों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए हो और बहुत अच्छा लगा हमको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल के. बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे अवार्ड के लिए, बहुत ज़्यादा खुश है. और कभी भी आप आते तो हंगामा मच जाता है, आप जब भी आते तो. अरे हम लोग आएंगे तो ही हंगामा होगा ना, हंगामा होना भी जरूरी है. हंगामा हंगामा होना होना भी जरूरी है ना, बहुत ज़्यादा होना चाहिए या नहीं. I'm feeling so delighted to have this prestigious award. It's like a dream come true for me. बहुत ही proud feel कर रही हूँ. आज मैंने जितना भी काम किया मेरी life में, आज इसका मुझे लग रहा है कि मुझे फल मिल गया है. So I'm feeling very delighted and happy to have this award. Thank you so much, Dada Sahib Phalke Award, to have me here. ये पुणे में कर रहे हैं अभी तो हम लोग. अभी लास्ट टाइम मुंबई में किया था, क्या नाम है था वो हॉस्पिटल का, केम हॉस्पिटल में किया, लीलावती में किया और बहुत जगह पे किया, पर हम लोग नहीं बताते कि हम लोग हेल्प कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, मतलब शो ऑफ नहीं करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा कम. ये आप सब लोग इतना प्यार करते कि मेरे फैन फॉलोइंग है, इसलिए इतनी है. आप सब लोग छापते हो मेरे बारे में तो अच्छा लगता है सब लोगों को देख के, इसलिए फैन फॉलोइंग आपके वजह से हूँ मैं आज यहाँ पे, मीडिया की वजह से. आने वाले दिनों में आप लोग कोई सॉन्ग कोई कर रहे हैं, हम लोग ये मूवी भी कर रहे हैं और सॉन्ग भी कर रहे हैं. बहुत जल्दी आपको एक तीनों साथ में है. यस, ऐसा आइटम नंबर, इट्स अ ब्यूटीफुल आइटम नंबर, सो गोल्ड के ऊपर है पूरा, हंगामा होएगा ऐसा सॉन्ग, गाना के बाद पब्लिक पागल एकदम. संजय जी आप खुद बताइए ना, संजय जी आप बताइए, आप बोलिए क्या आप बिग बॉस जाना पसंद करेंगे. बिग बॉस काफी कंट्रोवर्सी शो था, क्या आप लोग बिग बॉस में, अगर आपको मौका मिलता है संजय जी और आप लोग सभी लोगों को, क्या बिग बॉस करना पसंद करेंगे आप लोग. हमें बिग बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे तो अभी फिलहाल, जरूर अगर हमें किसी भी तरह का ऑफर आता है तो हम डेफिनेटली जाएंगे. सलमान भाई को कितने आप पसंद करते, कुछ कहना चाहेंगे सलमान भाई के बारे में. भाई को कौन नहीं पसंद करता, सब पसंद करके, हमारे खुद का है अच्छा उनके साथ, वो जानते हैं हमें, गोल्डन गाइस को, दोनों भाई को, प्रीति जी को हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं पुणे में भी, सलमान जी को, और मेरे घर से खाना आता था उनको, सलमान जी को, शोएल भाई को, उनके मम्मी को, आलवीरा दीदी को. और